33% से कम आई मेरे पास रिपोर्ट, ठीक है। मुझे पता था नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, उसको रिजेक्ट करके मैंने वापस उनको निर्देश के साथ भिजवाई। किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान को प्रॉपर मुआवजा दिलाने के लिए हम जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। इसलिए आज इन्होंने हमें इतना आश्वस्त किया है और सभी किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा मैं। मुझे जिंदगी में इस बात के लिए याद रखोगे झुंझुनू वासी कि किसी कलेक्टर ने सभी किसानों को मुआवजा दिलवाया था। कि चने को भी सम्मिलित किया जाए, सब्जी को भी किया जाए, गेहूं को भी किया जाए और सरसों को भी किया जाए, क्योंकि फसल तो फसल है, सही है। बिल्कुल सारा खराबा हुआ है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े, राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूं हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण, उत्थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बात करा कि झुंझुनू की जितनी भी तहसील है सबसे जगह में कुछ किसान जगह में और कलेक्ट्रेट पर आए हैं और कलेक्टर से की काफ़ी शिकायतें बन गई है कि मुआवजों को सही तरीके से अपन मिलने के लिए पटवारी जगह में गिरदावरी सही कौन कर रहा बता कि कुछ जा रहे हैं, कागजा लिख रहा कुछ और ही, काफ़ी और भी हैं कि चीज़ें जहाँ बात करा कि शहरी क्षेत्र में जगह किसान ही बन के मुआवजे मिल लोगे। सारी बातचीत आज कलेक्टर साहब से मैं करेंगे, बन की तरफ से क्या आश्वासन मिले तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। तो आज कलेक्ट्रेट पर आने के पीछे कारण तो सबने पता है, किसाना की जगह समस्या काफ़ी है, कि ये मेन मुद्दों के लेके आया और क्या आश्वासन मिलो था। देखिए खराबे के बाद हमने ये सुना कि स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो गए, लेकिन खेतों में अभी तक पटवारी और गिरदावर नहीं पहुँचे, इसलिए हमने दो बार ज्ञापन दे दिया है, एक बार बुहाना SDM को और एक बार सूरजगढ़ में बड़ी संख्या में किसानों के साथ हमने ज्ञापन दिया था कि भाई शीघ्र गिरदावरी करवाई जाए और किसान के खेत पर पहुंचकर वहां उन किसान के सामने जितना खराबा हुआ वो लिखा जाना चाहिए। और हमने अल्टीमेटम दिया था कि इसके बाद 3 दिन तक अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। 26 जनवरी आ गई थी इसलिए हम उस दिन आए नहीं। आज कलेक्टर साहब से मिलकर हमने बातचीत की है कि किस तरीके से गिरदावरी ये लोग करवाना चाह रहे हैं, क्या आदेश सरकार के हैं और किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। कलेक्टर साहब से बड़ी सकारात्मक बात हमारी हुई है, उनका कहना है कि 33% से अधिक खराबा जिले की प्रत्येक विधानसभा में हुआ है, तो मैं 33% से कम जो खराबे की लिख कर भेज रहे हैं वापस भेज रहा हूँ। तो हमें आस बंधी है, उम्मीद बंधी है कि भाई प्रॉपर गिरदावरी होगी, सही सही आकलन होगा, किसान को मुआवजा मिलेगा। पर अगर इसमें कहीं कोताही हुई, इसमें अगर सही सही आकलन नहीं किया गया तो फिर जहां भी जो स्टेप हमको आगे उठाने होंगे किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान को प्रॉपर मुआवजा दिलाने के लिए हम जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। आवाज़ यह भी उठी कि शहर के अंदर जगह किसान ही बान मुआवजों को मिल रहे हो, बिल लेके क्या आश्वासन मिले? माननीय कलेक्टर महोदय ने ये बोला है कि जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की या जो किसान है उसके लिए शहरी या कोई ग्रामीण कुछ नहीं है, जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है उस पर मुआवजा ज़रूर देंगे। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, उनकी सकारात्मक सोच है, वो एक किसान परिवार से आते हैं, उनको ये पता है किसान का क्या दर्द है। अच्छा मैं दो के हिसाब से अभी एक शिकायत यह भी आ रही कि खेत में आगे बता दें कि 90% नुकसान है, लेकिन कागज़ में आगे में 33% से कम दिखा दें बिग ऊपर के। ये वास्तविक सही बात है, हमारे यहाँ नौलगढ़ की ये स्थिति है कि वहाँ पे पटवारी भी है ना, वो अपने आप को SDM समझता है, तो किसानों को भ्रमित करते हैं। यहाँ किसानों की 100% नष्ट खेती नष्ट है, उसको वहाँ पर जा करके पटवारी किसानों को खुश करने के लिए ये कहता है कि आपकी तो सारी फसल नष्ट होगी साहब, और वहाँ पे जा करके 30% या 25% 30% से नीचे मुआवजे की रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट यहाँ आई भी है हमारी नौलगढ़ की, उनको रिटर्न कलेक्टर साहब ने वापस भेजी है, और हमारे नौलगढ़ की तो स्थिति बहुत ख़राब है। मार्गन न तो खुट्टो है, न आदमी है, न बोलनियों है, न लड़नियों है, तो नौलगढ़ की व्यवस्था सबसे सब ब्लॉकों से ख़राब है। और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, मैं धन्यवाद देता हूं कलेक्टर साहब को, किसान का बेटा, उन्होंने कहा है कि मैंने नौलगढ़ की जो 33 से नीचे जो गिरदावली आई थी उसको मैंने रिटर्न किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत कलेक्टर साहब का आभारी हूं, धन्यवाद। काफ़ी किसानों को मैडम एक आरोप यह भी लाग रहा है कि पटवारी जगह पर आगे खेत में खेतने की काफ़ी नुकसान हुआ है और फ्री की चाय भी पी जाए ही, लेकिन बढ़ जागी जो गए वो खराब हो जो गए वो 33% से कम दिखा दी ऑफिस में।
नहीं, उनको बोला है पटवारियों की भी आप जहाँ किसान के खेत में जाओ तो किसान से सिग्नेचर करा के लाओ, तभी हम मानेंगे। फसल खराब है 100% हुआ है। अलसी सर पंचायत समिति है जो बेल्ट है, इसमें चने की फसल है, तो चने की फसल का भी आज हमने ज्ञापन दिया है कि चने को भी सम्मिलित किया जाए, सब्जी को भी किया जाए, गेहूँ को भी किया जाए और सरसों को भी किया जाए। फसल तो फसल है, सही है, बिल्कुल सारा खराबा हुआ है। और कलेक्टर साहब ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है अगर नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, किसानों को मुआवजा दिला के रुकेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम सर। तो आज तक कलेक्टर से मिला हो, के बन की तरफ से थाना आश्वासन मिले? मैं अजय बालोठा जिला परिषद सदस्य हूँ और हमें विशंबर जी पुनिया जी नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सब कार्यकर्ता सब ने मुलाकात की है। हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है तो कलेक्टर साहब की तरफ से यही आश्वस्त किया गया है कि 33% जो खराबा है उससे ऊपर होने के बाद 100% मुआवजा दिया जाएगा। और किसान के बेटे होने के नाते मैं आपको सबको आश्वस्त करता हूं कि आप झुंझुनू जिले की जनता याद रखेगी, इतना मुआवजा न तो कभी मिला है न कभी मिलेगा। आज तक कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है और कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान के बेटे होने के नाते उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है और पूरा मुआवजा मिलेगा सबको। और जो फसल खराब है वो उदयपुरवाटी में 90 से 95% तक हुआ है। तो पटवारियों ने जो रिपोर्ट कम दिया है उसके लिए कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि पटवारियों को बुलाकर दोबारा गिरदावरी करवाई जाएगी, कहीं जो होगा नुकसान पूरा करवाया जाएगा और सभी को पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। मतलब वो भी काम का बनी है, किसान 450 रुपया देके पलाऊ से और मिलवाने का और लगेगा। आज फिर गिरा है, कल गांव में गया था, मैं बोला 30-35% की गिरदावरी करके जा रहे हैं जबकि 100% को नुकसान है। सही बात है, थोड़ा पटवारियों को टाइट करो सब। पटवारी कह यहाँ से ऊपर करा ही बनाया, मतलब यह एकदम किसान के साथ बिल्कुल नाजायज बात है। 33% से कम पर, 33% से कम पर मुआवजा नहीं मिलता, 33 से अधिक पे ही मुआवजा मिलता है, ये नियम है। मेरे पास जो शुरू में गिरदावरी का आदेश दिया है तो उनको रिपोर्ट भेजी ना जल्दी, इसलिए थी कि राज्य सरकार ने कहा था जल्दी करवाओ किसानों का मामला, तो उसमें 33% से कम आई मेरे पास रिपोर्ट। मुझे पता था नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, उसको रिजेक्ट करके मैंने वापस उनको निर्देश के साथ भिजवाई और ये कहा है कि मौके पे आप किसानों के साथ खेत पे जाके और मुझे जब तक व्हाट्सएप नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा। हाँ जी, सही बात है। उसमें जो है अब जो हम मेरे पास रिपोर्टें आ रही है वो ज्यादा आ रही है, हर किसान को मुआवजा दिलाऊंगा। 2005 में डॉक्टर जी ने जो मुआवजा दिया था आपको भी हमेशा याद रखेंगे, आप जिला कलेक्टर उस टाइम ये मुआवजा दिलवाई थी, मुआवजा मिलेगा। ये सब 100% ही असल में वो है, वो पोर्टल बंद है साहब, केसीसी नहीं मिल रहा। मैं बताऊँ इसमें भी नवीनतम स्थिति ये थी कि मुझे पता था बंद हो गया, बंद हो गया, परेशानी हो रही है। मैंने वहाँ जयपुर बात करी, डीओ लेटर भी लिखा, कंपनी है एक ये जो सेटलमेंट विभाग के साथ इसका एमओयू हो रखा है, कंपनी के उनके कोई पेमेंट का झगड़ा था तो कंपनी ने बंद कर दिया इसको। नहीं सर, एक हो सकती है, सुनो सर, बहुत सारी व्यवस्था के बाद पहले मेरी बात सुनो, पहले सुनो। तो कंपनी ने इस पोर्टल को बंद कर दिया तो किसानों की दिक्कत आ गई, तो हमने ये टेकअप उठाया मैटर। तो फिर मैंने उसमें मेरे चिट्ठी में ये भी लिखा कि जब तक कंपनी का भुगतान नहीं हो जाता और ये सेटल नहीं हो जाता तब तक ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि जयपुर और झुंझुनू दो ही जिले हैं जो ऑनलाइन है, बाकी जिलों में ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन के लिए सेक्रेटरीट में मीटिंग हो गई थी, डिसीजन हो गया था, डिसीजन होने के बाद में आदेश जारी नहीं हुए थे, आदेश निकलने वाले थे, लेकिन बाद में चिंतन शिविर में ये मामला उठा। अभी जो सरकार चिंतन शिविर होती है वो हुआ था जिसमें सारे मंत्री साहिबान भी मौजूद थे, उसमें ये मैटर उठा, किसानों का मामला था, उसमें वापस ये निर्णय हुआ कि नहीं रहेगा तो ऑनलाइन ही कंपनी का भुगतान कर दिया जाए। तो अब वो कंपनी का भुगतान हो रहा है और जल्दी ये ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। एक सरसों अभी गिरदार पटवारी के पास ये झूठी सी बात है, खाली सरसों में खराबा हुआ है, बस खराबा दूसरी फसलों में भी हुआ, चने में भी हुआ है, सब्जी में भी हुआ, सबकी गिरदावरी। मैंने सबके लिए कहा है, खाली सरसों के लिए नहीं कहा, इस फसल में हमारे की सब अलसी सर पंचायत समिति है, एक महीने चढ़ाई है सिरसियों है, लेकिन वो बड़ा पटवारी है, मैं कहेंगे सिरसियों की गिरदावरी होगी, चढ़ाई सब आदेश बता दो सब फसलों का।
जिस फसल में जितना नुकसान है सबका करना है। हमारे कंफ्यूजन है, नगर पालिका एरिया में बसे हुए किसानों की गिरदावरी के आदेश है कि नहीं। किसान तो जो भी कृषि भूमि है सबके यहाँ से झुंझुनू जिले के संपूर्ण किसानों के फसलों के खराब होने के एवज में सारे जनप्रतिनिधि मिलकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का तय किया था। हम सब लोग मिलकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना है। जैसा कि नियम बना हुआ है कि 33% से कम खराबे में मुआवजा किसान को मिलता नहीं, ये बात जग जाहिर है कि 70-80-90% के आसपास फसलों में सब्जियों में खराबा हुआ है। कलेक्टर साहब ने इस बात को माना है, कोई गिरदावर पटवारी गलती इसी करेगा भी तो कलेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिलाया किसानों को कि मैं पुनः उनकी जांच करवाऊंगा, पुनः उनकी गिरदावरी कराऊंगा और हमें मुआवजा दिलाने का पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है। रबी की सभी फसलों में जो नुकसान हुआ है, सरसों, चना, गेहूं, उसके लिए आज जो कलेक्टर साहब ने जो भरोसा दिलाया है उस बात पर हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि मैं इस सीट पर रह के किसी भी किसान की 33% से कम गिरदावरी नहीं भेजूंगा तो राज्य सरकार को मैं ही 33% से ऊपर का, क्योंकि 90-95% नुकसान है। इसलिए आज इन्होंने हमें इतना आश्वस्त किया है कि सभी की 33% से ऊपर की जो खराबे की रिपोर्ट भेजूंगा और सभी किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा। मैं मुझे ज़िंदगी में इस बात के लिए याद रखोगे झुंझुनू वासी कि किसी कलेक्टर ने सभी किसानों को मुआवजा दिलवाया था, ये भरोसा दिलवाया है और पूरी फसल चौपट होगी इस बात के लिए अभी इनके भरोसे पे हम विश्वास कर रहे हैं। तहसील कार्य के ऊपर अलसीसर पंचायत समिति के सभी किसान एक साथ होकर SDM को ज्ञापन दिया था। आज पूर्व सांसद संतोष जी के साथ हमें कलेक्टर साहब से मिले हैं और पंचायत समिति अलसीसर और तहसील अलसीसर के अंदर बहुत सी किसान ऐसे हैं कि सरसों की बुआई नहीं होती है, चने की बुआई होती है, लेकिन वहाँ पर पटवारी सरसों की ही गिरदावरी कर रहा है। तो आज हमें यहाँ कलेक्टर साहब से अवगत करवाए हैं कि तहसील मंशीसर को चने की भी गिरदावरी करवाई जाए और वहाँ पर किसानों के साथ तहसीलदार और पटवारी गिरदावर भ्रमित कर रहे हैं कि आपकी गिरदावरी है वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो 33% से नीचे कर रहे हैं। तो हम तो 1 तारीख को यदि गिरदावरी सही नहीं होगी तो वहाँ के किसान धरने पर बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम कलेक्टर पर भी धरना देंगे। जब नगर पालिका के क्षेत्रों में जो किसान बचे उनकी गिरदावरी नहीं हुई और आज भी नगर पालिका क्षेत्र के किसान हैं उनकी गिरदावरी नहीं हो रही है। मैं कलेक्टर साहब से संतोष जी अहलावत के साथ पूरा जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है, मैं नगर पालिका की तरफ से ज्ञापन देकर आया हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके साथ शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो सूरजगढ़ नगर पालिका नहीं पूरे जिले के शहरी क्षेत्रों में किसान बसे हैं उनकी भी गिरदावरी साथ साथ कराई जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। नुकसान 100% है, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे चने में हो, चाहे सरसों में हो, जो भी किसानी खेती की है थी किसी ने भी उसके 100% नुकसान है तो सरकार 100% मुआवजा दे, मैं यही सरकार से मांग रहा हूँ। वीडियो ने पूरा दिन होता के लगा कि जिस हिसाब से सबको खेण हो कि कलेक्टर साहब जगह पर आश्वस्त बिल्कुल करे है और बन को एक बात हम रखिए कि झुंझुनू का किसान भी याद रखेगा कि यहाँ का कलेक्टर साहब जगह पर आया ही और थाना बन की बात पर जो है वो कितनों के आप विश्वास कर सका हाँ प्रशासन पर आप कितनों के विश्वास कर सका कि वो किसान का साथ में खड़े हो था की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो जरूर कर देना और जल को झुंझुनू के साथ हरो प्यार ऐ बनाए रखो।